डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो फिनॉल होता है वो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, जिसमें आपने पहली बात कर ली थी फिनॉलिक OH समूह की अभिक्रियाएं, दूसरी कंप्लीट पढ़ ली है बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, और आज तीसरी बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर संघनन अभिक्रियाएं, जिनको कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। देखिए संघनन अभिक्रिया में क्या होता है, संघनन अभिक्रिया में पहली बात करते हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया, यानी संघनन अभिक्रिया में किस किस की बात करेंगे, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, दूसरी पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया, तीसरी पढ़ेंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, और चौथी पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। अलग अलग अभिक्रियाओं के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं देखें। तो पहली स्थिति की बात कर रहा हूं यहां पे एसीटोन के साथ अभिक्रिया, पहली पॉइंट की बात कर रहे हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया, यानी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। अब एसीटोन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, यानी कि फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 है, सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में करवाए तो वहां से क्या बन जाता है, बिसफिनॉल A बन जाता है, एक यौगिक बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बिसफिनॉल A। कैसे बनता है देखें, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, यहां से पॉइंट क्या बन जाएगा, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बिसफिनॉल ए बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, यहां से बिसफिनॉल ए बन जाता है, यानी फिनॉल लेंगे उस फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, एसीटोन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, बिसफिनॉल ए। कैसे बनता है देखिए, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, यहां से ये एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा दो, फिनॉल के साथ। यहां से क्या करते हैं, यहां से ये फिनॉल OH, एक मोल और ले लेते हैं यहां से बैलेंसिंग करने के लिए, यहां से क्या है, क्योंकि यहां का ऑक्सीजन, अब यहां से सांद्र H2SO4 लिख दूं मैं एरो पे, एरो पे क्या लिखा है, कंसंट्रेट H2SO, या फिर कह सकता हूं कंसंट्रेट HCl, यानी फिनॉल की अभिक्रिया, इसका नाम क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, बिसफिनॉल ए बन जाए। तो आपको मैंने बताया कि सांद्र H2SO4 जो होता है वो क्या काम करता है, यहां से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जलीकारक का काम करता है, निर्जलीकारक का मतलब यहां पे क्या होता है, जब एरो के ऊपर सांद्र H2SO4 लिख दिया जाता है तो बाहर क्या निकाला जाता है, जल के अणु जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर जब भी एरो के ऊपर क्या आ जाए, कंसंट्रेट H2SO4 आ जाए, तो आपको बाहर क्या निकालना है, यहां से पानी का अणु, जब पानी का अणु निकालेंगे यहां पे ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, दोनों हाइड्रोजन कहां से बाहर निकल जाते हैं, यहां से, इस प्रकार यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये कार्बन है इस यहां से लिंक हो जाएगा, यहां से बॉन्ड बनेगा, तो ये जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बिसफिनॉल। तो यहां से CH3 ये C ऐसे कैसे, आप देखो यहां से दोनों वैलेंसी फ्री हो गई, फ्री वैलेंसी पर कौन जुड़ गया, यहां से फिनॉल जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, यहां से फिनॉल, इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा आपका OH, यहां से ऐसे ही इस पे जुड़ जाएगा, यानी कि यहां से ऑक्सीजन, यहां की दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, यहां से H2
कंसंट्रेट H2SO4 का फंक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण रिमूव किसको कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को। जैसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, बिस्फेनॉल ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या होता है, किस प्रकार का जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है बिस्फेनॉल ए। इसका नाम क्या होता है, बिस्फेनॉल ए। तो क्लियर है यहां से। तो ये लिख रखा है कि फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, क्या के बन जाता है, बिस्फेनॉल ए बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, सेकंड रिएक्शन बेंजीन डाइएथोनियम लवण से अभिक्रिया। बेंजीन डाइएथोनियम लवण से, नेक्स्ट टू कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहां से, बेंजीन डाइएथोनियम लवण से। अब बेंजीन डाइएथोनियम लवण का मतलब जब मैंने पहले करवाया था BDAC, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, BDAC बोलते हैं जिसे बेंजीन। अब लवण के रूप में आप क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो मैंने बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के एग्जांपल के रूप में BDAC ले लेता हूं, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। यानी फिनोल है, उस फिनोल को बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाए तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाता है, जो क्या होता है, डाइस होता है, रंजक होता है। यानी फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाएगी, क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाता है, जो एक रंजक होता, रंजक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो रंगने में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं रंजक। आगे पढ़ेंगे क्या लिख रखा है, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाता है जो एक रंजक होता है। यानी फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो क्या होता है, रंजक। किस प्रकार बनता है, एग्जांपल के रूप में देखें, ये आपका फिनोल है, इसको ऐसे दिखा सकता हूं, क्या ये फिनोल, इस फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है Cl, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दे Cl-N2+, Cl-N2+ किसके ऊपर जुड़ रहा है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग पर N2+ Cl-, इसका नाम होता है BDAC का मतलब क्या है, यहां पे बेंजीन D4 डाई A4 एजोनियम C4 क्लोराइड, इस यौगिक का नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। या इसी प्रकार से इसको दूसरे टाइप में, इसको बॉन्डिंग के रूप में किस प्रकार दिखा सकते हैं आप, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी ये Cl है, ये N है, उसको कैसे लिख दिया आप, देखो प्लस माइनस के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, बॉन्ड के रूप में कैसे जुड़ जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, यानी इस Cl-N2+ इसको हटाओगे, प्लस माइनस बॉन्डिंग करोगे तो इस प्रकार लिख दिया। जैसे फिनोल है, इसको बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ क्या किया जाए, यहां से गर्म कर दिया जाए, तो यहां से क्या करेगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, यहां से भैया से जैसे यहां से आप अभिकर्ण करवाओगे HCl यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां से कंपाउंड है, वो डायरेक्ट कहां पे N डबल बॉन्ड N बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, यहां से कंपाउंड बन जाएगा आपका HO,
लीजिए एन डबल बोर्ड एन इसके लिए अपने बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन है पैरा तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ये वाला जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इस कंपाउंड का नाम क्या होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जो होता है वो क्या होता है एक रंजक होता किसकी तरह काम करता है रंजक की तरह काम करता है तो ये है आपका बेंजीन डाइएथोनियम लवण से तो फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बन जाएगा यहां से पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाता है जो क्या होता है रंजक होता है इसी प्रकार से नेक्स्ट थर्ड में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया थर्ड पॉइंट है इसका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया इसमें होता क्या है कि जो आपका फिनोल है उस फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वहां से फिनोप्थेलिन बन जाता है और जो फिनोप्थेलिन जो बनता है वो क्या होता है एक सूचक होता है इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है तो यहां से क्या होता है फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हाइड्राइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिनोप्थेलिन बन जाता है तो फिनोप्थेलिन बन जाता है जो एक सूचक यानी बोलते हैं इसको इंग्लिश में इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेटर या सूचक होता है तो यानी क्या होता है फिनोल जो होता है उस फिनोल के अभिक्रिया किसके साथ करवा दें थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवा दें तो वहां से क्या बन जाएगा फिनोप्थेलिन बनेगा और फिनोप्थेलिन क्या होता है एक सूचक होता है किस प्रकार बनता है देखिए यहां से सघनन अभिक्रियाओं में सघनन का मतलब होता है जल के अणु का बाहर निकलना तो यहां से भी क्या हो जाएगा कंडेंसेशन के रूप में सघनन का मतलब या तो जल का अणु बाहर निकले भाई छोटे अणु का विलोप करना ही एक सघनन है ये तो HCl का अणु बाहर निकलेगा यहां से फिर यह क्या होगा H2 का यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया में देखिए थर्ड टाइप की जो मैंने बात की थी फिनोल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया तो मैंने बताया था कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब फिनोल अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा वहां से फिनोप्थेलिन सूचक बनाता है जो इंडिकेटर होता है किस प्रकार बनाता है देखिए ये आपका क्या है भाई फिनोल एक मोल और लेते हैं यहां से से भी क्या कर दें एच थैलिक एनहाइड्राइड ये तो क्या आपका फिनोल है थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड सी डबल बॉन्ड ओ ओ ये सी डबल बॉन्ड एनहाइड्राइड का तो आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं और ये बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड इसको क्या बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड यानी फिनोल या उस फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एरो पे क्या लिख रखा है कंसंट्रेट H2SO तो यहां से क्या करता है वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बाहर क्या निकाल देगा यहां से पानी का तो बाहर निकल जाएगा दोनों हाइड्रोजन यहां का ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा यहां से H2 रिमूव हो जाएगा
ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोक्टेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखो एच ओ ऐसे ही यहां से क्या बन जाएगा आपका ये वाला रिंग आपका ऐसे कैसे रह जाएगा देखो ये ओ इसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया ये जो यहां से जो ऑक्सीजन और यहां पे दोनों हाइड्रोजन बाहर निकले तो दोनों फ्री वैलेंस एक बार इधर से जुड़ जाएंगे और एक बार इधर तो इस कार्बन का जो लिंक है एक बार इधर से कर दें और एक बार इधर से तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं फिनोक्टेलिन इसका नाम क्या होता है फिनोक्टेलिन और ये जो फिनोक्टेलिन बना है वो क्या होता है एक इंडिकेटर होता है सूचक होता है इंडिकेटर क्लियर है यहां तो फिनोल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिनोक्टेलिन बन जाता है जो एक सूचक होता है तो ये है आपकी सघनन अभिक्रिया का तीसरा नेक्स्ट पे बात करते हैं यहां से सघनन अभिक्रियाओं में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया नेक्स्ट टॉपिक चौथे टाइप की जो रिएक्शन इसमें कौन से पढ़ रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया देखो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या होता है नेक्स्ट फोर्थ पढ़ रहे हैं इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया यानी HCHO नाम क्या होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया इसी का दूसरा नाम है लैडर मैना से अभिक्रिया इसी किस नाम से जाना जाता है ये लैडर मैना से अभिक्रिया पेपर के अंदर इस नाम से पूछ लेते बैकेलाइट फॉर्मेशन होता है बैकेलाइट जो बहुलक बनाने का जो काम किया जाता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया से होता है उस रिएक्शन को कहते हैं लैडर मैना से अभिक्रिया कैसे होता है इसमें लैडर मैना से में कि जो फिनोल है उस फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाते हैं जो आपस में संघनित होकर उच्च अनुभार वाला बहुलक बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है बैकेलाइट कहा जाता है इस अभिक्रिया को लैडर मैना से अभिक्रिया कहा जाता है सिंपल सी बात है ये फिनोल है उस फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड के किसकी प्रेजेंस में करवाएं तनु अमल या तनु क्षार की उपस्थिति में क्या बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा अब ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल अल्प मात्रा में बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल अधिक मात्रा में बनता है ये आपस में क्या करते हैं संघनन करते हैं संघनित तो हो जाएंगे और क्या बना लेंगे वहां से उच्च अणुभार वाला बहुलक बनाते हैं बैकेलाइट यानी कि त्रिविम में जाल युक्त संरचना बनाते हैं त्रिविम में जाल नुमा संरचना जो बनेगी उस बहुलक की वो कहलाएगा आपका बैकेलाइट इस प्रकार की जो अभिक्रिया वो क्या कहलाएगी आपकी लैडर मैना से अभिक्रिया देखिए यहां से क्या होता है फिनोल लैडर मैना से इंपोर्टेंट रिएक्शन फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में तनु अमल भी हो सकता है तनु क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल वे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाते हैं यानी फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बन जाते हैं जो आपस में संघनित होकर उच्च अणुभार वाला उच्च
उच्च अणुभार वाला बहुलक बनाते हैं, जो आपस में संघनित होकर उच्च अणुभार वाला बहुलक बनाते हैं, जिसे बेकेलाइट बहुलक कहा जाता है। बेकेलाइट बहुलक कहा जाता है। यह अभिक्रिया लेडरर मेना से अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया लेडरर मेना से अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है, लेडरर मेना से अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार होता है, यहां से देखें एग्जांपल के तौर पे, फिनॉल है, इस फिनॉल के अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड H, किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे तनु यहां से एक बार, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल के रूप में CH2OH आएगा, एक बार क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। ये OH यहां पे क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, यानी कि बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग पर आपको पता है CH2OH समूह जुड़ जाता है, उसका नाम होता है बेंजीन। और यहां पे क्या है, OH, तो नाम क्या हो गया, बेंजीन रिंग पर CH2OH समूह जुड़ गया, बेंजील एल्कोहल। इसके रेफरेंस में पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। क्या होता है, यहां से अल्प मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है यहां से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। क्या बन जाएगा, यहां से OH, यहां से बन जाएगा आपका CH2OH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। अब ये क्या करते हैं, आपस में संघनित हो जाएंगे, क्या करते हैं, ये संघनन कंडेंसेशन करते हैं, और क्या बना लेते हैं, त्रिविम में जा ली तो बहुलक बेकेलाइट का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहां से इस प्रकार का बहुलक बनाएंगे, यहां से OH, यहां पे क्या आ गया आपका CH2, यहां पे बीच में कौन फंस जाएगा, CH2, इनके बीच में कौन आ जाएगा, CH2, यहां पे CH2। क्लियर है, इस प्रकार की जो जाले नुमा संरचना, इस प्रकार बहुत सारे जुड़ जाएंगे, यहां से ये वैलेंस फ्री हो जाएंगे, यानी इस प्रकार की जो जाले नुमा संरचना बनेगी, एक नेट टाइप में स्ट्रक्चर बना लेगा, इस प्रकार का जो बहुलक बनेगा उसे बोलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर, बेकेलाइट। तो यानी कि ये है आपकी लेडरर मेना से रिएक्शन। देखें फेनॉल की अभिक्रिया, HCl2 का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फेनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, क्या बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन जाते हैं, जो आपस में संघनित होकर क्या बना लेते हैं, त्रिविम में जाल युक्त बहुलक बेकेलाइट का निर्माण कर लेते हैं। इसे लेडरर मेना से अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, यहां पे ये लिख रखा है स्पष्ट कि फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अमल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, क्या बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन जाता है, जो आपस में संघनित होकर क्या बनाते हैं, त्रिविम में जाल युक्त बहुलक बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। तो आपको डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही लिखना है। अब इसको समझने के लिए
थोड़ा सा मैं क्लियर समझा देता हूँ किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है, मैकेनिज्म टाइप की हुई है, इसकी जो क्रियाविधि के रूप में समझने का जो पार्ट है, यहां से आपको पता है ये फिनोल है, बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा OH। अब आपको पता है यहां से क्या है, H है भाई, यहां से H निकल जाए, यहां से H निकलेगी, निकलेगी तो यहां से क्या आएगा माइनस, देखो यहां से क्या H है, यहां से क्या टूट जाएगा H C डबल बॉन्ड और H, ये कंपाउंड यहां से टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, अब ये यहां से आपको पता है माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, तो H प्लस और ये माइनस पे जुड़ जाएगा OH, और रिंग पे क्या है CH2, यहां पे क्या है माइनस, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इस प्रकार बन जाएगा ये OH, यहां पे क्या जुड़ जाएगा CH2। क्लियर है यहां पे, ये माइनस यहां प्लस CH2 है जो, इसी प्रकार से यहां पे पैरा पे जुड़ जाएगा। अब जैसे ही यहां पे ऑर्थो और पैरा बनेंगे, ये OH यहां पे क्या जुड़ जाएगा CH2OH। अब देखो मैं समझाने के फिर बता रहा हूं, यहां से क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं टोलुइन, क्या बोलते हैं इसे, टोलुइन। अब इस टोलुइन जो है इसने H यहां से निकाल दे, H निकाली तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर CH2 वैलेंसी 3 होगी, जब बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा हुआ है एक संयोजकता फ्री, उसको नाम होता है बेंजीन, इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसका नाम क्या होता है, बेंजीन। अब देखो वापस एच निकाली आपने, यहां से एच निकाला, एक एच निकल जाएगा तो वैलेंसी कितनी फ्री हो जाएगी, यानी कि सी एच की दो वैलेंसी फ्री है, इसको नाम बोलते हैं बेंजल, इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं बेंजल। और यदि फिर एच आपने निकाल दिया यहां से, तो बेंजीन रिंग है और उसकी तीनों वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं बेंजो। बात समझ में आ गई होगी यहां से, भाई टोलुइन ने एच टैगी बेंजिन में कन्वर्ट हुआ, फिर एच टैगी बेंजल में और फिर एच टैगी बेंजो। तो देखो यहां से बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर CH2 की वैलेंसी थी, बेंजीन रिंग है उस पर CH2 की एक वैलेंसी थी, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन बोलते हैं, और इस फ्री वैलेंस पे अल्कोहल जुड़ गया तो नाम क्या हो गया, बेंजील अल्कोहल। इसी प्रकार से देखिए इसको बेंजीन है, इसका CH2 बेंजील, फिर वो है जोड़ दिया बेंजील अल्कोहल। अब इस बेंजील अल्कोहल के रेफरेंस में पोजीशन कौन सी थी, ऑर्थो, इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इसके रेफरेंस में पैरा पोजीशन है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से आपस में किस प्रकार संघनित होते हैं, अब इस प्रकार से यहां से संघनित होने का क्रम क्या होता है, यहां से देखें दोनों मोल आपस में क्या करवा दे, यहां से देखो यहां से दोनों मोल लिख लेना आपने एक दूसरे के रिवर्स लिख ले, दो तो मोल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल के ले ले, ये OH यहां पे क्या ले लिया आपने CH2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इसी प्रकार दूसरा क्या बना था आपका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये OH यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH2OH पैरा हाइड्रोक्सी, यहां से H शो कर सकते हैं आप, फिर क्या करें आप एक मोल वापस किसका ले ले, अब ये H है तो इसके सामने क्या आ जाएगा OH, इसका मतलब यहां पे OH यहां से ले ले, ये ऑर्थो वाला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील, इसके जस्ट सामने क्या ले ले, पैरा वाला ले ले, पैरा वाला क्या हो जाएगा यहां पे CH2OH, ठीक है, ये वाला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये पैरा, अब ऑर्थो के सामने क्या रखना है, पैरा, पैरा के सामने क्या रखना है ऑर्थो, अब देखो ये पैरा है तो इसके सामने क्या रख दो आप ऑर्थो, ऑर्थो वाले रखूंगा तो मैं देखो ये फिनोल ऐसे, इसके एच ओएच है तो सामने क्या कर दूंगा एच, अब इसके रेफरेंस में अगर ऑर्थो बनाना चाहूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा CH2OH। ध्यान रखने योग्य बात यह कि ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील लिख ले, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल के सामने तो क्या लिख ले, पैरा हाइड्रोक्सी, और इस पैरा वाले के सामने क्या लिख ले ऑर्थो। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा H शो कर सकते प्लस प्लस, कोई दिक्कत, अब यहां से भी H शो कर सकते हैं आप, जैसे ही आप इसका क्या करवाओगे, आप संघनन करवाओगे, संघनन करवाओगे, संघनन का मतलब क्या होता है, गर्म करते ही जैसे यहां से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा और यहां से ये बाहर, तो H प्लस OH माइनस H2 बाहर, यहां से H प्लस OH माइनस H2 H प्लस OH माइनस H2 OH minus H plus H, कितने H2 बाहर निकल गए यहाँ से 4H2, जब यहाँ से H2 गए ये CH2 कहाँ से लिंक हो गया इस मोल से, देखो ऐसे कैसे लिख दो इसको, चारों मोल मॉलिक्यूल ऊपर वाले में तो आपने कोई चेंजिंग किया ही नहीं, बेंजीन रिंग OH बेंजीन रिंग OH ऐसे चारों को अलग अलग करके लिख दो, ये OH ऐसे नीचे लिख दो आप बेंजीन रिंग OH, यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका बेंजीन रिंग,
आप देखो इनके बीच में क्या फंस गया CH2, कहां से ये CH2 है और इस CH2 का लिंक कहां से हो गया, इस बॉन्ड से हो गया। इसी प्रकार से देखो यहां पे H OH बाहर निकल रहा है तो CH2 आपस में क्या हो गया, यहां से बॉन्ड बन गया, ये CH2 इसके सामने जुड़ गया, ऐसे यहां से H OH तो यहां से क्या जुड़ गया, यहां से ये CH ये बाहर निकल, ऐसे यहां से H + OH बीच में क्या गया CH2। यानी इस प्रकार बहुत सारी संरचनाएं बन जाएंगी। यदि आपने और भी मोड़ लिए तो कहां से निकलेंगे, यहां से ये वैलेंस से फ्री हो जाएंगे। यानी एक नेट, जिस प्रकार का जो नेट होता है उस नेट टाइप में देखा होगा आपने, नेट में जो स्ट्रक्चर बनती है उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है त्रिविम में जाली होती है, नेट टाइप बहुलक होता है उसको बोलते हैं बैकलाइन। इस प्रकार की जो अभिक्रिया वो कहलाती है लैडर मेनासिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख रखा है फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बन जाता है, जो आपस में संघनित होकर त्रिविम में जाली युक्त बहुलक बैकलाइट बनाते हैं, इसे लैडर मेनासिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट चल रहा है इसमें फिनॉल के उपयोग, फिनॉल के उपयोग, फिनॉल के उपयोग में क्या होता है, फिनॉल जो है उसका जो उपयोग है वो बैकलाइट, पहला जो उपयोग है किसमें, बैकलाइट बहुलक के निर्माण में, बैकलाइट बहुलक के निर्माण में जो क्या होता है, एक प्लास्टिक होता है, जो एक प्लास्टिक होता है पिक्रिक अम्ल बनाने के रूप में, पिक्रिक अम्ल बनाने में, नंबर थर्ड है कार्बोलिक साबुन बनाने में, फिनोक्टिलीन सूचक के निर्माण में, इन बैकलाइट बहुलक के निर्माण में, जो बैकलाइट क्या होता है एक प्लास्टिक होता है, पिक्रिक अम्ल बनाने के रूप में, कार्बोलिक साबुन बनाने के रूप में, फिनोक्टिलीन सूचक के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों में आती हैं जैसे एस्प्रिन है, सेलोल सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन सेलोल सैलिसिलिक अम्ल, कीटनाशक दवाई यू के निर्माण, कीटनाशक के। तो ये है आपके फिनॉल के उपयोग। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।